तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप। फाइनली मैं आपके एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स IMEI नंबर जो कि डाटा हम कैसे करेंगे अपने मोबाइल फोन से। मैं एक वीडियो बनाया था कि सावन नगर के बाद मोबाइल बंद हो जाएगा और उसके बाद IMEI नंबर डाटा का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में करिए। तो बहुत ही सारे कमेंट आए थे कि सर आप वीडियो बना दीजिए, मेरा IMEI नंबर जो कि रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। मैं कर रहा हूँ मगर रजिस्टर नहीं हो रहा है, और बहुत ही दोस्तों बोला कि मैं करा ही नहीं हूँ, कैसे करेंगे, प्लीज वीडियो बना दे। चलिए फ्रेंड्स, वही वीडियो है कि हम IMEI नंबर अपने मोबाइल फोन से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी NTA में, वो भी बहुत ही बिना जो कि बोले बिना झंझट से और बहुत ही आसानी तरीके। चलिए मैं आगे जो कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चल के आपको स्टेप बाय स्टेप जो कि पूरे प्रक्रिया बताऊंगा, तो वैसे करके आप सभी यानी कि अपने IMEI नंबर जो कि डाटा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा वीडियो क्वालिटी यानी कि ये कैमरा वाला यानी कि स्लो है क्योंकि थोड़ा नाइट में मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूं। तो चलिए आगे वीडियो बनने, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते है। चले फ्रेंड्स, हम मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ और हमें IMEI नंबर डाटा करने के लिए सबसे पहले यानी कि क्रोम ब्राउजर अथवा यूसी ब्राउजर का इस्तेमाल करिएगा आप सभी। तो चलिए, मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट यूसी ब्राउजर को मैं अपने ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यूसी ब्राउजर यानी कि ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सर्च और वेब URL लिखा हुआ है, इंटर इसी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमें सर्च करना है www.ear.nta.com लिख देंगे और लिखने के बाद यानी कि डायरेक्ट यानी कि सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल जो कि सर्च करेगा, थोड़ा ये टाइम लेता है कि क्या है कि ये वेबसाइट में थोड़ा ज़्यादा जो कि मोबाइल IMEI डाटा हो रहा है, इसी कारण थोड़ा ये स्लो काम करता है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दूँ, फर्स्ट वाला लिंक आएगा और अथोराइजेटी लॉगिन, तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये ओपन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोड है इस पर, तो ये ओपन भी नहीं हो रहा है। तो आप सभी यानी कि मैं बता दूँ, ऐसे ही करिएगा तो ज़रूर ओपन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेते हैं कि ओपन हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर ओपन हो गए, उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड में स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले यानी कि हम देखेंगे कि हमारा यानी कि मोबाइल क्या है कि IMEI नंबर में यानी कि डरता है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर नीचे साइड में स्क्रॉल करने के बाद नो योर डिवाइस यानी कि बोला है कि आप चेक करना चाहते हैं, इसे पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर IMEI नंबर हमारे मोबाइल का होता है वो यहाँ पर डाल दें। चलिए IMEI नंबर आप इनकी कैसे देखिएगा मैं यहाँ पर बता दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्ट यानी कि डायलर पैड को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं दो कोड बता दे रहा हूँ, दोनों कोड से आप IMEI नंबर जो कि देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए *#*#4636*#*#, जैसे ही टाइप करेंगे फ्रेंड्स ऐसा कुछ हमारे मोबाइल का इंटरफेस आ जाएगा, तो उसका फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 और फोन इन्फॉर्मेशन 2 और वाईफाई इन्फॉर्मेशन जो कि हम चेक करते हैं। चलिए फोन इन्फॉर्मेशन 1 पर आप क्लिक करेंगे ना, तो सबसे शुरू वाला ही ऑप्शन में जो कि आपका IMEI नंबर जो कि शो करेगा, ये 1 IMEI नंबर है। उसके बाद यहाँ पर 2 में क्लिक करेंगे तो 2 वाला IMEI नंबर ऐसे करके शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पर से आप लिख सकते हैं अथवा डायरेक्ट एक और सिंपल कोड है *#*06#, डायरेक्ट यानी कि टाइप करेंगे फ्रेंड तो हमारे मोबाइल के डिस्प्ले पर ही शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, उसके बाद हम एक IMEI नंबर पर जो कि प्रेस करके रखेंगे यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्ट फिर से मैं वहाँ पर जाकर आप सभी को चेक करा दे रहा हूँ कि वो चेक यानी कि IMEI नंबर डालता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर इंटर IMEI नंबर लिखा हुआ है, इसी पर हम क्लिक कर दें यानी कि पेस्ट कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ और पेस्ट करने के बाद एक ऑप्शन मिला है सबमिट का, आप सभी यानी ध्यान से देखिए। तो इसी सबमिट पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। सबमिट पर जैसे ही फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा साइट बहुत ही स्लो चल रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे IMEI नंबर डाटा होने की वजह से साइट थोड़ा हैंग चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक से चेक करेगा हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चेक हो गए और उसके बाद यहाँ पर बता रहा है IMEI नंबर, देखिए यहाँ पर IMEI नंबर ऑफ योर मोबाइल इज नॉट रजिस्टर यानी कि बोल रहा है कि आपका IMEI नंबर रजिस्टर नहीं है NTA में, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी दो वाला भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर दो वाला भी आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो आपका जो कि दोनों सिम का रजिस्टर है कि नहीं, तो ऐसे ही फिर से इनकी *#06#, जैसे ही टाइप करते। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगअप वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर हम क्लिक करेंगे। सिंगअप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे मोबाइल में दो ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है न्यू इम्पोर्टर और इंडिविजुअल एप्लीकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम न्यू वाला पर क्लिक नहीं करेंगे। ये क्या है कि बहुत ही सारे मोबाइल जो कि शॉपकीपर वाला ले आते, तो यहाँ पर कर वो अपने न्यू जो कि एक
इम्पोर्टर जो कि बनाएगा। तो यहाँ पर हमें नहीं क्लिक करना है, हमें इंडिविजुअल अप्लीकेशन पर डायरेक्ट क्लिक करना है। तो चलिए इंडिविजुअल ऑप्शन पर हम डायरेक्ट नहीं क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा कर दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी को देखने में बहुत ही आसान जो कि थोड़ा लंबा दिखे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है यानी कि इंडिविजुअल अप्लीकेशन पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल में यहाँ पर ऑप्शन हो ओपन हो जाएगा एक न्यू। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ओपन हो रहा है। थोड़ा ये बहुत ही स्लो काम कर रहा है फ्रेंड, थोड़ा ये स्लो काम ही करेगा। आप सभी यानी कि थोड़ा इंतज़ार करिए। इंतज़ार करने का फ्रेंड से यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ एक कर कर, ये जो आप सभी इनके रेड वाला स्टार देख रहे हैं ये अनिवार्य आपको जो कि लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो ये सबमिट जो कि नहीं होगा आपका EMI नंबर। तो उसके बाद मैं बता दूँ एप्लीकेट नेम में आप लिखिएगा यानी कि चूज करिए यानी कि नेपाली। और यहाँ पर और भी ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे तो हमें फॉरगिन वाला ऑप्शन है, तो फॉरगिन हम तो नहीं है यानी कि नेपाली में, तो नेपाल पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद टाइप वाला, तो टाइप वाला पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम IMEI नंबर दर्ज कराना चाहते हैं तो IMEI नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर ब्रांड नेम आपका यानी कि मोबाइल का क्या नेम है, तो आप नेम देखना चाहते हैं तो सेटिंग में क्लिक करें। अपना मॉडल नंबर आ तो टोटल भी जो कि डिटेल देखने के लिए सेटिंग में क्लिक करने के बाद एवार्ड फोन पर जाइएगा। और एवार्ड फोन पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे मोबाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए ऑल स्पेस, इसी पर हम क्लिक करेंगे। ऑल स्पेस क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर उसका डिवाइस मॉडल नंबर यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद डिवाइस नेम यहाँ पर रेडमी शो कर रहा है, तो सोमी का ब्रांड है। उसके बाद यहाँ पर टोटल उसका आप बोलिए ना कि उसका रैम रोम, तो टोटल जो कि डिवाइस यानी कि बता रहा है कि यहीं से जो कि हम अपने डिवाइस मॉडल और नेम जो कि उसका देख सकते हैं। तो चलिए आप सभी इनके था लग जगह तो आपके मोबाइल में थोड़ा सेटिंग नीचे साइड में होगा तो वहाँ से आप सभी कर सकते हैं। तो यहीं से लेकर आप सभी वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। मोबाइल का नेम है सोमी, मैं यहाँ पर सोमी ब्रांड नेम देंगे। और उसके बाद यहाँ पे कि कोई भी एक मॉडल नंबर यानी कि मॉडल नंबर कोई भी नहीं फ्रेंड, जो कि आपका मॉडल नंबर क्या है। तो चलिए मेरा मॉडल नंबर रेडमी नोट 5 है, यहाँ पर रेडमी नोट 5 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड में बोल रहा है कि आप IMEI नंबर दर्ज कराना चाहते हैं, ESN और MEID नंबर, यानी कि बोला है सभी जो कि वैसे ही IMEI नंबर जैसे होता है। तो चलिए हमें IMEI नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं बता दूँ कि एप्लीकेंट नेम में हम यानी कि अपना नेम दे देंगे, जो कि नागरिकता में हमारा नेम होगा वही सेम नेम देखें। और उसके बाद एक और ऑप्शन मिला है हमारे मोबाइल में एप्लीकेंट एड्रेस, जो कि हम कहाँ पर रहते हैं वो भी एड्रेस दे देंगे सेम नागरिकता अनुसार। तो पासपोर्ट होगा आपके पास तो वो पासपोर्ट अनुसार आप सभी यानी कि दे दीजिएगा। और उसके कॉन्टेंट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि बोला है फ्रेंड, यानी कि एक नंबर कोई सा भी हम दे देंगे। और देने के बाद यहाँ पर ID नंबर यानी कि सिटीजन ID नंबर यानी कि आपका नागरिकता का ID नंबर होता है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जो कि बैक साइड में होता है। और उसके बाद पेमेंट और ID कार्ड पासपोर्ट भाई भी है, यानी कि बोल रहा है कि आप इनपुट फाइल नेम यानी कि करना चाहते हैं तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम फाइल यानी कि अपने 3 MB से बोल रहा है कि यानी कि 3 MB से हम कम वाला यानी कि अपना नागरिकता का फोटो होता है या तो पासपोर्ट लगा सकते हैं, तो कुछ भी लगा सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कर यानी कि आप लिख कर और उसके बाद यानी कि इसको हम सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद एक कोई सा भी ईमेल होगा नीचे साइड में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ईमेल जो कि डायरेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईमेल दे देंगे उसके सभी के। चलिए फ्रेंड्स सभी जो कि हो जाने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि ये हमें क्या 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 करना। चलिए यहाँ पर, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सब पूरा जो कि डिटेल यहाँ पर डाल दिया हुआ। डालने के बाद मैं एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आप सभी यानी कि ध्यान से देखिएगा, जो कि हमारा IMEI नंबर है तो यहाँ पर देखिए हम यानी कि 2 IMEI नंबर कोई भी मोबाइल में कि 2 होता है, तो दोनों का एक ही दम यानी कि NTMA जो कि IMEI नंबर दर्ज करना चाहते हैं तो एक IMEI नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा और एक यहाँ पर जो कि सेमी कॉलम जो कि होता है एक डॉट और जो कि एक ऐसा जो कि कॉमे आकार करता है वो दे दीजिएगा। और उसके बाद दूसरे IMEI नंबर 2 वाला जो कि यहाँ पर पेस्ट कर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप यानी देखिए यही जो कि ऑप्शन यहाँ पर बता रहा है, तो ऐसे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे बीच में। और उसके बाद यहाँ पर वो दूसरा का IMEI नंबर दे देंगे तो हमारे यानी कि दोनों IMEI नंबर जो कि दर्ज होगा। चलिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर नेम एप्लीकेंट यानी कि टोटल काम जो कि मैं यहाँ पर एम का डिटेल वो दे दिया हूँ। और देने के बाद यहाँ पर देखिए देने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिएगा, उसके बाद ID भी दे दीजिएगा और सिटीजनशिप भी जो कि यहाँ पर सिटीजनशिप का नेम यानी कि फ्रंट साइड दे देंगे और यहाँ पर चूज फाइल कर देंगे और सिटीजन जो कि बैक साइड दे देंगे और चूज फाइल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ करने के बाद एक और नीचे साइड में जो कि
और जीमेल आपका मांगेंगे तो वो जीमेल भी दे दीजिएगा। और देने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिला है सबमिट पर, इसी पर जो कि हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो कि सबमिट हो जाए। चलिए फिर साथ ही एक बार और देख लीजिएगा, मैं ठीक है मैं सब देख लिया, उसके बाद डायरेक्ट इनकी सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबमिट पर डायरेक्ट क्लिक कर दे रहा हूँ। सबमिट पर फ्रेंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स हमें कुछ देर हमारा इंतजार लेगा जो कि ये काम करेगा वेबसाइट। देखिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या बता रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिए कि योर अप्लीकेंट हैड बीन सेंड ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट, बोल रहा है कि आपको अप्लीकेंट की सेंड हो गया NTA में, यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद आई नो पर हम क्लिक कर देंगे। आई नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स वो दर्ता हो गया हमारा और एप्लीकेंट जो कि हमारा चले गए। यो यहाँ पर भी आपका आपका दिखा रहा है योर अप्लीकेंट हैड बीन सेंड ऑथराइज्ड यानी कि डिपार्टमेंट की हमारा सेंड हो गया। तो हम यानी कि दो दिन के बाद अब देखेंगे चेक करेंगे तो हमारा IMEI नंबर जो कि दर्ता हुआ जो कि बताएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगा जब जो कि हमारा हो जाएगा, उसके बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। और एक बात का मैं ध्यान बता दूं फ्रेंड्स आपसे इनकी रखिएगा कि यहाँ पर देखिए हमारा समय फिलहाल जो कि 11:43 हो रहा है फ्रेंड्स, ये नाइट का है जो कि 11:43 इनकी PM हो रहा है फ्रेंड्स, इनकी नाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप इनकी नाइट में भी करिएगा क्योंकि नाइट में करेंगे तो लोड कम रहता है उस समय, इसी कारण जो कि आपका ऑटोमेटिक सब साइट जो कि ओपन हो जाएगा। और मैं भी जो कि कुछ यानी कि बोलिए ना कि 8 बजे करीब में खोल रहा था तो वो नहीं खुल रहा, तो कोई भी साइट आप तभी बोल रहे थे कि सर हमारा क्या है कि वो NTA में जो कि वेबसाइट ही नहीं खुल रहा था। फिर नहीं खुलेगा और आप सभी यानी कि क्रोम ब्राउज़र को नहीं ले लीजिएगा, यहाँ पर इसी ब्राउज़र को लेंगे तो बहुत ही फास्ट यानी कि काम करेगा। तो चलिए आप इसी ब्राउज़र में कर और थोड़ा यानी कि आप भोर में यानी कि बोलिए ना कि 4 बजे करीब में सुबह के टाइम में भी आप कर सकते हैं, अथवा थोड़ा नाइट हो जाएगा 12 तो 11 तो उसमें करेंगे तो आपका काम जो कि जल्द से जल्द हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये सिंपल वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़। तो चलिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आप सभी इनकी जान गए होंगे कि IMEI नंबर हम कैसे अपने मोबाइल जो कि मोबाइल फोन का IMEI नंबर NTA में दर्ता कर सकते हो, वो भी आसानी तरीके से। तो आप सभी इनकी वीडियो में पूरे जो कि देख लिए, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो में देख लिए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और साथ में चैनल संतोष पर और ऑफिसर पर नए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा और आप उस वीडियो को जो देख सकते हैं। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी वाईफाई रिलेटेड यूट्यूब रिलेटेड मोबाइल ऐप से रिलेटेड सभी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो जरूर जाइए, वहाँ पर सभी प्रकार का वीडियो बनकर रहिए, वहाँ से आप सभी देखकर अपने मोबाइल डाटा या यूट्यूब चैनल ही कर सकते हैं। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी यानी कि नाइट में करिएगा, यानी कि बोलिए ना कि 12:00 PM में करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा वो साइट खुलेगा, साइट में इतना लोड पड़ रहा है कि वो दिन में जो कि साइट ही नहीं खुल रहा है। तो फ्रेंड्स तो मैं बताया पहले भी वीडियो में आपसे ये देख लिए कि मैं नाइट में वो वीडियो शूट कर रहा था, तो आप सभी यानी कि नाइट में शूट करिएगा तो भोर होता है यानी कि सुबह के टाइम में यानी कि 4 बजे के करीब में करेंगे तो आपका साइट खुलेगा। चलिए और वीडियो का लंबा नहीं करते यही पेंट करना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।